हमारे पड़ोस साइड तो मिश्रा है, इधर हुआ इधर 13 जिलों की आ रही है। हाँ नहीं देखो ना, इसमें भी जिले में भी आसन गांव है, आसन गांव नहीं, आसन से अलग अलग खरखोदा तक जो है ना बड़ा भारी, कई जगह जगह है मतलब भिवानी में बहुत है, सिरसा में बहुत है, मतलब गेहूं की फसल और सरसों की फसल जहाँ जिस किसान ने बो रखी है, जो भी सरसों और गेहूं की फसल बो रखी थी उसका भारी बड़ा भारी नुकसान है, तुरंत जो है स्पेशल गिरदावरी कराई जाए। लेकिन सर जिस तरह से अभी पोर्टल बना गया था वो भी बंद पड़ा है, किसान काफी परेशान है। और ये जो अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल ही बंद है, अब वो कहे पोर्टल से क्लेम डालो, और सारे जब तो 422 करोड़ रुपया सरकार ने दिया नहीं है अभी ये 2 साल का किसान को कंपनसेशन जो मिलना है, पहले का मुआवजा मिला नहीं और एक और हाँ एक और वो भी दें और इसका भी तुरंत करके मुआवजा दें किसान को। वो इनका वायदा था 2022 तक आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी कहाँ से दुगनी होती, लागत तो दुगनी करती। आज किसान जो है बड़े भारी संकट में आ रही है। एमएसपी की मांग को लेकर भी किसान जो है वो लगातार बॉर्डर पर बैठे हुए, हरियाणा बॉर्डर पर कौन किसान बैठे हुए सरकार अभी तक एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं। हमने तो रायपुर में सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें दे रखा है आश्वासन, जब मैनिफेस्टो आएगा कांग्रेस का उसमें एमएसपी गारंटी दी जाएगी। कानून व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल है, काफी जैसे एक के बाद एक वारदातें हो रही है। कानून व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं, मैं कितनी दिन से कह रहा हूँ ऐसा प्रतीत होता है यहाँ सरकार है ही नहीं। इतना अपराध में इतना ऊपर चला गया हरियाणा, जो हरियाणा ये कानून व्यवस्था में नंबर एक था 2014 में पूरे देश में, आज अपराध में बेरोजगारी में अपराध में बहुत ऊपर चला गया, बेरोजगारी में नंबर एक हो गया। और ये मेरी नहीं है, जो उनकी सर्वे नीति आयोग की, उन्होंने कहा है कि हरियाणा सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश हो गया। एनसीआरबी के आंकड़ों से सामाजिक सुरक्षा हाँ वो है ना, प्रोग्रेसिव इंडेक्स, प्रोग्रेसिव सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, उसमें जो है सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश जो है हरियाणा, उनकी है नीति आयोग का है। एक सब लोकसभा चुनाव की अभी घोषणा भी की हुई है, भाजपा ने एक पहली सूची है कल जारी भी कर दी, तो कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? कांग्रेस चार है, उतना से चार है कैंडिडेट बहुत जल्दी, हाँ जो बहुत ज्यादा स्टेटों में जहाँ गठबंधन है वो उनकी से बातचीत चल रही है, बाकी चार है। हरियाणा का क्या हो रहा है? हरियाणा सवाल पूछते नहीं तुम, एक और समझौता हो गया हरियाणा में, जो पहले सरकार जो 2019 में जो सरकार बनी थी एक दूसरे को करके बने थे, तो स्वार्थ में ये यार बन गए थे, अब एक और समझौता है गठबंधन का, गठबंधन अलग करने का भी समझौता हो चुका है स्वार्थ में। और अध्यक्ष जी से पूछना, अध्यक्ष जी पूछे कुछ, और फिर आप पार्टी के साथ आप कह रहे थे कि कांग्रेस सक्षम है चुनाव लड़ने में, फिर आप पार्टी के साथ समझौता भी किया था हरियाणा में, हरियाणा में तो सक्षम है आज भी मैंने कहा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जब समझौते होते हैं तो गिव एंड टेक करना पड़ता है। अगर 3 सीट हमने उनसे वहां ली है, दिल्ली में ली है, चंडीगढ़ की ली है, और जगह ली है, गोवा में ली है, आज जा रहा हूँ कुरुक्षेत्र, कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए आज कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, अध्यक्ष जी भी जाएंगे, मैं भी। छत्तीस बिरादरी मन बना चुके हैं, स्वीप आएगा हरियाणा का, आज तो एक भी नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन जो बीजेपी जो मुद्दों की बात कर रही है उसमें गरीबी कह रहे हैं, गरीबी हमने हटाया वो उसके लिए राशन दे रहे हैं 5-5 किलो प्रति, ये क्या प्रतीक करता है या क्या संकेत देता है? और गरीबी बढ़ गई है, अमीर जो बीजेपी के सरकार में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, ये तो हम भी देते थे
एक रुपया किलो हम तो 25 देते थे, तेल भी देते थे, चीनी भी देते थे तो, लेकिन वो ये भी कह रहे कि जिस तरह से भ्रष्टाचार को हमने खत्म किया पहली सरकारों में, जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ एक के बाद एक घोटाला हुआ है पहली सरकार में, कहा पता कोई भी नहीं साबित हुआ, इनके तो साबित हो चुके। HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए मिले, SS कमीशन में क्या मिला, और ये जो ये रोजगार निगम जो बना रखा है उसमें क्या हुआ, सभी प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या जरूरत है, ये तो बड़े घोटालों की सरकार है।